हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ पालक का निमोना। आपने मटर का निमोना तो बहुत ही बनाए होंगे, लेकिन आज मैं पालक का निमोना बनाने जा रही हूँ। तो हम शुरू करते हैं बनाना। मैंने पालक को बॉइल्ड कर दिया है। बॉइल्ड करके उसे ठंडा कर लेंगे, तब से हम निमोना का मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए अदरक, लहसुन, मिर्ची और हरा धनिया। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे पेस्ट बना लेंगे और एक कटोरी में इसे पलटी कर देंगे। और पालक हमारा ठंडा हो गया है तो इसको भी हम पीस लेंगे। पालक को गरम गरम नहीं पीसिएगा, ठंडा होने के बाद ही पीसना। तो देखिए हमारा पालक भी पीस चुका है। तो हम कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे हम सरसों का तेल और उसमें हम डालेंगे आलू। ऐसे पतले पतले पीस में कट करके डालेंगे और उसे हम फ्राई करके निकाल लेंगे। हमने फ्राई करके निकाल लिया है आलू। इसमें हम डालेंगे लहसुन, मिर्ची, अदरक और धनिया का पेस्ट जो हमने बनाया था वो डाल देंगे। डालने के बाद उसे हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से तेल अलग ना हो जाए। अब फिर इसमें डालेंगे हम सूखे मसाले, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला डाल के हम मसाले को भी हम थोड़ा भून लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे पालक, पीसी हुई पालक। अब पालक को भी 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे, क्योंकि पालक को वैसे इसमें ज़्यादा भूनना नहीं होता है। जैसे कि हम मटर का निमोना बनाते हैं तो मटर को हमें अच्छे से तेल में भूनना होता है, जैसे उसका कच्चापन चला जाए। पालक को हमने बॉइल्ड कर दिया था तो आधा उसमें ही पक गया है, तो इसको हमें ज़्यादा भूनना नहीं है। और इसमें हम डालेंगे फिर आलू। आलू डालने के बाद फिर 2 मिनट के लिए चलाएंगे, मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे पानी और स्वाद अनुसार नमक डाल के तो हम इसे अब ढक देंगे पकने के लिए। तो हमारा रेडी है निमोना, पालक का निमोना। आप बताइएगा मेरी रेसिपी।